हमारा लॉन्च का स्लोगन है, संसद में भी केजरीवाल तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। आज से 12 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी और लगभग 10-11 साल पहले दिल्ली के लोगों ने ढेर सारा प्यार दे के, विश्वास करके हम लोगों को भारी बहुमत दे के जिताया था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। हम बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जितना प्यार और विश्वास हमें दिया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, मैंने हमेशा कहा है कि मैं दिल्ली के लोगों का हमेशा एहसानमंद रहूंगा कि इस छोटे से आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। 7 जन्म तक भी दिल्ली वालों की सेवा करता रहूं तो उनके एहसान नहीं चुका सकता मैं। मैंने भी पूरी कोशिश की है, कभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझा। मैंने पूरी कोशिश की है दिल्ली के हर परिवार का बेटा बन के, हर परिवार का हिस्सा बन के, हर परिवार का। दिल्ली में 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। हर परिवार का हिस्सा बन के उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करने की कोशिश की है, हर परिवार का सहारा बनने की कोशिश की है। दिल्ली में किसी भी परिवार में कोई बीमार होता है तो तकलीफ यहां होती है। मैं अभी देख रहा था 2 दिन पहले, एक टीवी चैनल वाला एक बूढ़ी महिला से पूछ रहा था और वो बूढ़ी महिला कह रही थी कि केजरीवाल की वजह से मेरी जान बच गई। उसने पूछा कैसे? वो अम्मा बोली मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, 8 लाख रुपए का खर्चा था, मेरा बेटा 10-15 हजार रुपए महीना भी नहीं कमाता, वो तो नहीं भुगत सकता था। केजरीवाल के अस्पताल में मेरा सारा इलाज मुफ्त हो गया, एक पैसा नहीं देना पड़ा। आज मैं जिंदा हूं तो केवल केजरीवाल की वजह से जिंदा हूं। मैं उस अम्मा को कहना चाहता हूं कि माँ, आपने हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आज मैं जहां पे हूं आप ही की वजह से हूं, तो जो कुछ भी कर रहा हूं ये मेरा फर्ज है। हर दिल्ली वाले के परिवार को मैं किस तरह से मदद करूं, किस तरह से उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करूं, ये मेरी कोशिश रहती है।